सबसे पहली बात करेंगे हम, पायलट को मिलेगी उड़ान। क्या पायलट को मिलेगी उड़ान, पायलट को कैसे मिलेगी उड़ान? विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के अहम बैठक चल रही है दिल्ली में। आज सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है दिल्ली में। चुनावों की रणनीति तय करने और संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर आज दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक हो रही है। बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली जुड़े हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक के बाद सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बैठक के बाद राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे भी राजस्थान की क्या है चुनावी विसात की उसकी भी झलकियां मिल सकती हैं। विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने और कांग्रेस में एकजुटता को लेकर हो रही इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ 30 नेताओं को बुलाया गया है। इसमें मंत्री और वरिष्ठ नेता भी शामिल है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान मिटाकर एकजुट करने के हिसाब से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ सचिन पायलट के रोल को लेकर फैसला होने की संभावना है। पिछले दिनों इसी तरह की बैठक छत्तीसगढ़ के मामले में हुई थी और यहां से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए सुखद संयोग बना था और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया था। छत्तीसगढ़ में खींचतान मिटाने की कवायद शुरू हुई थी और अब राजस्थान की क्या बारी है? सचिन पायलट को लेकर संगठन में पद देकर मेन स्ट्रीम में लाने का फॉर्मूला इस बैठक के बाद अहम होने की संभावना बताई जा रही है। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या जानकारी सामने निकल कर आती है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के लिहाज से इस बैठक से सुखद समाचार सामने निकल कर आएंगे। और इस मुद्दे पर, पायलट को मिलेगी उड़ान मुद्दे पर, हम विमर्श के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी से हम जुड़ेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NH24/7 में। जी धन्यवाद। सर, क्या लगता है आज बैठक हो रही है दिल्ली में कांग्रेस की, इससे पहले भी जब अहम बैठक हुई थी तो उसमें छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भूपेश बघेल के साथ उन्हें काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन बिठाया गया था। आपको क्या लगता है कि आज की इस बैठक में राजस्थान को लेकर क्या फैसले हो सकते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक, दो राज्यों में जीतने के बाद कांग्रेस को समझ में आ गया है कि अगर उसको चुनाव जीतना है तो पहली शर्त है कि पार्टी को एकजुट होना पड़ेगा। और राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों जगह पार्टी में रह करके रस्सा कसी की खबरें आती रही हैं। सचिन पायलट तो मुखर भी रहे हैं, सड़क पर भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वैसी स्थितियां नहीं थी, लेकिन आलाकमान को समझ आया कि अगर अगला चुनाव जीतना है, जो लोकसभा चुनाव से पहले जीतना बहुत जरूरी है, तो उसको पार्टी को एकजुट करना होगा। जो असंतोष है या महत्वाकांक्षा का टकराव है उसको दूर करके कोई सामंजस्य बिठाना होगा। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाकर वही काम किया गया है और मुझे लगता है कि राजस्थान में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो टकराव चल रहा है उसको समाप्त करने की दिशा में आलाकमान बहुत गंभीर है और उम्मीद कर सकते हैं कि आज की बैठक में कोई न कोई रास्ता निकलेगा। वो रास्ता तो क्या हो सकता है, एक सचिन पायलट को वापस प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है या उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये आलाकमान के अपने विवेक पर निर्भर करेगा और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो संवाद हुआ है उस पर निर्भर करेगा। मुझे ज्यादा संभावना लगती है शायद सचिन पायलट खुद प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में टिकट वितरण में उनकी एक भूमिका बन सकती है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर शायद उस तरह की भूमिका न बन पाए, लेकिन इतना तय है कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा। और राजस्थान में कांग्रेस का जो आंतरिक तले चल रहा है, जो हम 2020 से देख रहे हैं, वो उस पर पूर्ण विराम चुनाव से पहले लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये बैठक को अहम माना जा सकता है। सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, उप मुख्यमंत्री पद इस स्थिति में देना कांग्रेस की किस रणनीति का हिस्सा हो सकता है? क्या उप मुख्यमंत्री पद, जब चुनाव में बामुश्किल 5 महीने का समय बाकी है, 4 महीने 3 महीने में आचार संहिता लग जाएगी,
तो इसके पीछे क्या कांग्रेस की रणनीति है, क्या उस वर्ग को साधना जिस वर्ग से पायलट आते हैं या अन्य जिनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, या उस क्षेत्र को साधने की कोशिश की जा रही है जिस विधानसभा और उससे लगी अंचल की सारी विधानसभा प्रभावित होती है? देखिए, इसके पीछे कोई बहुत लंबी चौड़ी रणनीति नहीं है चुनाव को प्रभावित करने की। एक ही रणनीति है कि जो असंतुष्ट नेता है हाँ, उनको किसी तरह संतुष्ट किया जाए, उनको साधा जाए, और अगर वो नेता सब जाते हैं तो अगले चुनाव में जो संभावित नुकसान हो सकता है आपको उनकी नाराजगी के चलते या बगावत के चलते, बिल्कुल बिल्कुल, उससे बचा जाए। तो कहीं ना कहीं ये संतुष्ट करने की कवायद है। राजकुमार सर, आपने बात की, अपना गंभीर विश्लेषण साझा किया हमारे साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।